देशभक्त न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर गोहाना के जींद रोड से सामने आ रही है, जहां पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री व इनेलो के सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो है गोहाना के जींद रोड पर बने पेट्रोल पंप पर अपने कार्यकर्ता और बड़ौदा से पूर्व प्रत्याशी रहे जोगेंद्र मलिक के पेट्रोल पंप पर पहुंचे, जहां पर जो लोग वहां पहुंचे थे उनसे हालचाल जाना और उनसे बातचीत जो है आने वाले समय की राजनीति की चर्चा भी उन्होंने की। और उसके बाद जो है पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा में जो गठबंधन सरकार है, जेजेपी और बीजेपी की जो गठबंधन सरकार है, वह एक लुटेरों की सरकार है। उन्होंने एक बड़ा कटाक्ष करते हुए हरियाणा की जो सरकार है उस पर बड़ा कटाक्ष किया है, और उन्होंने कहा कि बीजेपी की जो सरकार है, जेजेपी की जो सरकार है, वह लुटेरों की सरकार है। और उन्होंने कहा कि आने वाला जो समय है, कमेरे लोगों का समय आने वाला है। और उन्होंने कहा कि आने वाला जो समय है इनेलो पार्टी का है, और हरियाणा में जो है 2024 में इनेलो की सरकार बनने वाली है। और देख भी सकते हैं जहाँ पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला गोहाना पहुँचे हैं, जहाँ पर लोगों से बातचीत करते हुए सामने नजर आ रहे हैं। और उन्होंने जो है कांग्रेस पर भी कटाक्ष किया, इसके अलावा जो अन्य पार्टियों पर भी उन्होंने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि जो लोग जो है बैसाखियों का सहारा लेते हैं, वह अब की बार टूटने वाली है। कहने का मतलब ये है कि जो बीजेपी की जो सरकार है आने वाले 2024 में सरकार नहीं बनने वाली है, ये जो है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने साफ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बिना इनेलो के कोई भी सरकार नहीं बनेगी, और उन्होंने कहा कि आने वाला जो समय है वो इंडियन नेशनल लोकदल का है, और सभी कार्यकर्ताओं से भी उन्होंने हाल चाल जाना। आप सभी से अपील रहेगी कि इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर व्यक्ति तक ये खबर पहुँचे कि गोहाना में पहुँचे पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बीजेपी पर बड़ा कटाक्ष करने का काम किया गया है। छोटी कर दिया, मौजूदा सरकार के 9.5 साल पूरे हो गए हैं, किस तरह से देखते हैं आप? मौजूदा सरकार के 9.5 सालों को किस तरह से देखते हैं सर? मैं पलट के आपसे पूछूंगा, क्या ये सरकार है? इसको आप सरकार कहोगे? ये लुटेरों का एक गिरोह है, लूट को सिखा रहे। 24 के चुनाव नजदीक है, आपकी पार्टी का क्या कहना है? पार्टी का क्या रहेगा? 2024 के चुनाव नजदीक है, आपकी पार्टी का क्या रहेगा? आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से इंडियन नेशनल लोकल पार्टी सरकार चुनाव सब एक अलायंस बना है इंडिया पूरी। भूपेंद्र हुड्डा अपने आपको जो है मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके जो है बिजली 300 यूनिट फ्री की बात कह रहे हैं, और भी कई वादे करते हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, आपका क्या कहना है जी? हर आदमी मुख्यमंत्री बनने का ख्वाहिश है, लेकिन लोग क्या चाहेंगे ये लोगों पर निर्भर करता है। कांग्रेस पार्टी एक लीडर का बयान आया है, उसने जो है बीजेपी के नेताओं पर रावण तक कहा है। रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी के नेताओं पर रावण कहा है। कौन क्या कहता है मुझे इस पर कुछ नहीं कहना, मुझे केवल एक ही कहना है, ये लुटेरों का एक गिरोह है और इसको लोग बदलना चाहते। आपकी पार्टी के क्या मुद्दे रहने वाले हैं चुनाव के अंदर, क्योंकि अभी तक एक ही सीट है सर? रुक जा यार, और हमने अतीत में बहुत अच्छे काम किए और भविष्य में इससे भी ज्यादा अच्छा। चौटाला साहब, अलायंस बना है इंडिया, उसके अंदर बात हो रही थी कि इनेलो भी शामिल होगी, क्या लगता है आपको? मुझे ऐसा लगता है कि मौजूदा शासन पक्ष के अलावा सारी पार्टियां इकट्ठी हैं। अगर कल को कांग्रेस की इस तरह की कोई सिस्टम बनता है और इनेलो क्या उसका साथ देगी? इनेलो तो अपने दमखम से चुनाव लड़ेगी। नहीं, इंडिया में जैसे शामिल होंगे सभी दल, चुनाव लड़ेगी।